Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania, and I'm your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2, Commerce and Management. In this particular lecture, I'm going to tell you that how should you prepare for your UGC NET Paper 2 Commerce. So, agar aap commerce subject ke liye preparation karna chahte hain, so what is going to be the strategy, what all things you have to keep in mind? All of these things I'm going to discuss in this particular lecture. So, please, this video ko end tak zarur dekhiyega. It's not going to be a very lengthy video, but this could be a game changer for your preparation and can help you crack UGC NET JRF in the very first attempt. सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि सर हमने MBA किया हुआ है, हमने MCOM किया हुआ है, तो क्या हम कॉमर्स सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट गाइडलाइंस, अगर आपने MCOM दैट इज मास्टर्स इन कॉमर्स किया हुआ है तो ही आप कॉमर्स सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं, अदरवाइज नॉट. आपके सर्टिफिकेट विदहेल्ड कर दिए जाएंगे, यू विल बिकम डिसक्वालीफाइड. तो ये चीज प्लीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने MBA किया हुआ है तो आप कॉमर्स का एग्जाम नहीं दे सकते, आपको मैनेजमेंट का देना पड़ेगा, विच इज कोड 17. ठीक है, सो आई होप इस चीज की क्लैरिटी आ गई. नो, लेट्स बिगिन. अब दोबारा, जैसे मैंने आपको पेपर वन में पहले बताया था कि सबसे पहला टास्क आपको क्या करना है, दैट गेट टू नो दैट व्हाट इज योर एग्जाम ऑल अबाउट. तो सबसे पहले क्या करिए, प्रॉपर सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए यूजीसी नेट की वेबसाइट से और उसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लीजिए. ठीक है, इससे क्या होगा कि जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, यू विल नॉट हैव टू थिंक कि क्या ये चीज सिलेबस का पार्ट है या फिर नहीं. फॉर एग्जांपल, लेट्स से अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं और वो सिलेबस में नहीं मेंशन है, तो एटलीस्ट एट द वेरी बिगनिंग, जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन की शुरुआत कर रहे हो, जस्ट स्टार्टिंग विद योर प्रिपरेशन, डू नॉट जंप टू दीज टॉपिक्स. पहले सिलेबस पे स्टिक रहिए, बिकॉज 70-80% ऑफ द क्वेश्चंस, वेदर इट बी एनालिटिकल, वेदर इट बी कंसेप्चुअल, इज गोइंग टू बी आस्क्ड ऑन द सिलेबस ओनली. 10-15% के कुछ क्वेश्चंस जो है वो बाहर से जरूर पूछे जाएंगे, बट 70-80% ऑफ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड फ्रॉम योर सिलेबस. ठीक है, सेकंड चीज आपको क्या करनी है, नो द कट ऑफ. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कॉमर्स एग्जाम की कट ऑफ होती है, कॉमर्स सब्जेक्ट की कट ऑफ होती है, फॉर JRF इट इज अप्रॉक्सिमेटली 65%. तो कम से कम आपको 65% लेके चलना है. ऑफकोर्स अगर 2 से ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, जैसे 2 से 3 शिफ्ट में कॉमर्स में होते हैं, तो ऑफकोर्स आपकी परसेंटाइल निकाली जाएगी, बट अप्रॉक्सिमेटली अगर आप 65% से अबव टारगेट लेके चल रहे हैं तो आपके परसेंटाइल में भी JRF क्लियर होने के 100% चांसेस हैं. जैसे मैंने आपको बताया था, देर इज नो सेक्शनल कट ऑफ नाउ, विच मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पेपर वन में कितना पढ़ा है, पेपर टू में कितना पढ़ा है, डजेंट मैटर, क्यूमुलेटिव एग्रीगेट करके आपके परसेंटेज निकाले जाएंगे फॉर योर क्वालिफाइंग ऑफ नेट JRF एग्जाम. तो आपको इस बात की बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपका पेपर वन कमजोर है या फिर आपका पेपर टू कमजोर है. यू हैव टू प्रिपेयर इट क्यूमुलेटिवली, एंड क्यूमुलेटिवली आपका रिजल्ट देखा जाएगा. ठीक है, अब देखिए, दोबारा सेम चीज मैं आपको बताऊंगा, दो ये थोड़ा सा रेपिटेशन लग रहा होगा, बट सेम थिंग यू हैव टू फॉलो फॉर योर पेपर टू कॉमर्स एज वेल. कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट, पास्ट ईयर पेपर जाके आप सॉल्व करिए. कहाँ सॉल्व करना है, NTA वेबसाइट पे जाके सॉल्व करना है, वहां पे पास्ट ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट आपको फ्रीली अवेलेबल करवा दिए गए हैं, वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं, यू कैन प्रैक्टिस देयर. और क्या करना है आपको, आपका स्कोर देखना है. अब आपको स्कोर देखने का ये मतलब नहीं है कि बस स्कोर देख लिया कि ठीक है 100 क्वेश्चन के अंदर 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं या 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं. आपको ये भी देखना है कि वॉट आर द सब्जेक्ट्स जहां पे आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, एंड वेयर आर यू परफॉर्मिंग वेल. तो इन सब्जेक्ट्स को बिल्कुल प्रॉपरली एनालाइज करना है. एनालाइजिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज विदाउट नोइंग दैट वॉट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, बिना ये जाने कि कौन से सब्जेक्ट आपके मजबूत हैं जिनको आप बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं और कौन से आपके वीक हैं, कमजोर हैं, जिसमें आपको इंप्रूवमेंट करनी है, यू कैन नॉट प्रिपेयर इट इन अ होलिस्टिक मैनर. तो होलिस्टिक मैनर में प्रिपेयर करने के लिए आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता करनी बहुत जरूरी है. लेट्स से एक बार आपने 2-3 पेपर लगा लिया और आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यार HRM जो है वो मेरी ईजी सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है, मार्केटिंग मेरी ईजी सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है, मॉडरेट के बारे में बात करूँ तो इंटरनेशनल बिजनेस मुझे थोड़ा सा मॉडरेट लगता है, अकाउंट्स मुझे थोड़ा सा मॉडरेट लगता है, और अगर मैं डिफिकल्ट के बारे में बात करूँ तो सर स्टैट्स हमें बहुत डिफिकल्ट लगती है, टैक्सेशन हमें बहुत डिफिकल्ट लगता है. ठीक है, तो इस तरीके से जैसे मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके क्लासिफाई किया, आपको क्लासिफाई कर देना है ताकि आप पहले इजी टॉपिक्स पहले कवर करें, बिकॉज अगर आप उनको कवर करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपका मोराल भी बूस्ट होगा कि हमने ये जो हमें टॉपिक्स अच्छे से आते थे ये जल्दी से जल्दी कवर कर लिए. एंड जब फर्क ही नहीं पड़ता कि आपने स्टैट्स के ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए या मार्केटिंग के किए, सो व्हाई डू यू वांट टू गो टू द डिफिकल्ट टॉपिक्स. कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में ये थॉट प्रोसेस रहता है कि सर पहले डिफिकल्ट टॉपिक कवर कर लेते हैं, ईजी तो कवर कर ही लेंगे. तो यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक लगाइए, आपको कहा जाता है कि आपको 1 घंटे के अंदर मैक्सिमम बॉल्स कवर करनी है. लेट्स से बॉल्स मैदान में गिरी हुई हैं, गार्डन में फैली हुई हैं, ग्राउंड में छोड़ दी गई हैं, और आपसे कहा जा रहा है कि आपको 1 घंटे के अंदर मैक्सिमम बॉल्स कलेक्ट करके लानी है. नाउ थिंक इट लॉजिकली,
क्या आप उस बॉल के पीछे भागेंगे जो बॉल सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है, या फिर आप उस बॉल को पिकअप करने की कोशिश करेंगे जो बॉल सबसे आपके पास रखी गई है या फिर डिस्टेंस इसका सबसे कम है। ऑफ कोर्स द लॉजिकल आंसर इज कि जो पास में आप उसको पिकअप करने की कोशिश करेंगे सो दैट यू कैन कलेक्ट मोर नंबर ऑफ बॉल्स। आइडिया यहाँ पे ये नहीं है कि सबसे दूर वाली बॉल पकड़नी है या फिर सबसे जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसके अंदर ज्यादा स्कोर करना है, कोई नहीं देखने आ रहा है आपका, ठीक है। सो यू हैव टू ऑलवेज स्टार्ट विद द इजी सब्जेक्ट एंड मूव टूवर्ड्स द डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, ठीक है, ताकि प्रोग्रेशन में आप मूव करें, ठीक है। अब आपके दिमाग में होगा कि सर कैसे क्लासिफाई करें, तो मैंने अभी आपको बता दिया कि इजी टू डिफिकल्ट में क्लासिफाई करना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको क्लासिफाई करनी है, दैट इज थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो एक टाइम के बाद क्या होगा, आपको मोनोटनी आने लगेगी, यू विल स्टार्ट फाइंडिंग द थिंग्स वेरी वेरी बोरिंग, आपको बोरिंग लगने लगेगा, इट विल बिकम वेरी मोनोटनस। तो आपको क्या करना है, आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों को आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज इनहेरेंटली स्टूडेंट्स को पता होता है अपने ग्रेजुएशन या अपने पास पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे कि उनका थ्योरी पार्ट अच्छा है या फिर उनका प्रैक्टिकल पार्ट अच्छा है। तो अगर आपको लगता है कि आपका थ्योरी पार्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पिक द सब्जेक्ट्स विच आर इन द इजी कैटेगरी एंड दे आर थ्योरेटिकल इन नेचर, ठीक है। सेम कैन बी डन फॉर प्रैक्टिकल, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा बोर हो रहे हैं तो आप दोनों को बैलेंस आउट कर सकते हैं, ठीक है, दिन के टाइम पे या जैसे भी आपको सूटेबल लगता है, थोड़े टाइम आप थ्योरी सब्जेक्ट को दे सकते हैं, थोड़े टाइम प्रैक्टिकल को दे सकते हैं। बट ध्यान क्या रखना है, दैट फर्स्ट यू कवर अप द सब्जेक्ट्स विच आर इजी फॉर यू, देन यू मूव टूवर्ड्स द मीडियम एंड देन फाइनली यू मूव टू द डिफिकल्ट टॉपिक्स एट द वेरी लास्ट, सबसे लास्ट में आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स उठाने, अदरवाइज आपका सारा टाइम निकल जाएगा डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को ही प्रिपेयर करने, ठीक है। एक और इसमें वर्ड ऑफ कॉशन, जो फैक्चुअल सब्जेक्ट्स हैं जिनकी लिस्ट अभी मैं आपको दिखाऊंगा अगली स्लाइड्स में, फैक्चुअल सब्जेक्ट जो आपको लगते हैं उसको आप कोशिश करिए कि लास्ट में रखें, बिकॉज अगर आप उनको पहले कवर कर भी लेंगे तो एंड टाइम तक आते आते जब तक आपके एग्जाम आएंगे आप उन फैक्चुअल टॉपिक्स को भूल चुके होंगे, ठीक है। तो उन सब्जेक्ट्स को आप थोड़ा सा बाद में रख सकते हैं, फर्स्ट फोकस ऑन योर कंसेप्चुअल एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर प्रिपेयर कैसे करना है, आपने सारी कहानी बता दिया, आपने बता दिया ये सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे क्लासिफिकेशन करना है, हमें डिवीजन किस तरीके से करना है। तो थोड़ी देर के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि आप बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं जब अप्रॉक्सीमेटली 5-6 महीने का टाइम बचा हुआ है, तो आप इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, यू आर गोना प्रिपेयर वेल। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं लेके चल रहा हूँ कि एटलीस्ट आप 3 मंथ्स का टाइम तो जरूर दे रहे होंगे फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो अगर आप पेपर टू कॉमर्स की तैयारी करनी है तो आपको क्या करना है, 10 टॉपिक्स हैं, 10 सब्जेक्ट्स हैं आपको पता है, एंड 100 दिन का टारगेट लेके चलना है, बिकॉज एक टारगेट दिमाग में लेना बहुत जरूरी है, बिना टारगेट के आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो कैसे आपको मूव करना है, ठीक है, हर सब्जेक्ट को, फॉर ईच सब्जेक्ट, ठीक है, 8 डेज के लिए, 8 दिनों के लिए आपको सब कुछ भूल जाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियोस एंड पीडीएफ्स कवर करनी है। अब आप कोई भी सोर्स ऑफ मटेरियल यूज कर रहे हैं, कोई कोर्स परचेज किया हुआ है आपने, कोई बुक रेफर कर रहे हैं, जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हैं, 8 दिन लगा के अच्छे से उस टॉपिक को डेडिकेटेडली, सिंसियरली, थॉरली, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, मैं यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि बस बैठ के रीड करते जा रहे हैं आग बंद करके, ठीक है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ 8 दिन उस सब्जेक्ट में लगाइए, उस सब्जेक्ट को समझने के लिए, और नेक्स्ट 2 दिन लगाइए आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो कि आपको मिल जाएंगे बुक्स में, सो दैट यू हैव अ फेयर आइडिया कि अगर मैंने स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट 8 दिन पढ़ा है तो क्या अब मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ और नॉट। तो एप्लीकेशन टेस्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज एग्जाम में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं अभी रिसेंट एग्जाम्स में, ठीक है। तो आई थिंक आपको इस चीज की क्लैरिटी हो गई। नाउ माई आइडिया इज टू क्लासीफाई द सब्जेक्ट्स इनटू थ्योरी बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड एंड फैक्चुअल। इनका क्या मतलब है, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे वहां पे फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, बट न्यूमेरिकल्स इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूलास पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूलास पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इट कुड बी आस्क्ड एनी टाइम, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं थ्योरी सब्जेक्ट्स क्या है हमारे, थ्योरी सब्जेक्ट्स है हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल बिजनेस, जहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स में कॉमर्स वालों के सिलेबस के अंदर सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स है, प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। देन यू हैव मार्केटिंग मैनेजमेंट, देन यू हैव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और नेशनल बिहेवियर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, जो जिसमें लीडरशिप और मोटिवेशनल थ्योरीज आती हैं। तो ये आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स हो गए। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जहाँ पे थोड़े से न्यूमेरिकल, थोड़े से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने की उम्मीद हमेशा रहती है, एंड वो आते भी हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। फाइनेंस, अकाउंटिंग, जहाँ पे हम कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे, एंड थोड़ा बहुत सेक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी पूछ लिया जाता है। देन वी हैव टैक्सेशन, इसमें छोटे छोटे अलाउंसेस पे, छोटे छोटे हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है विच यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट इज स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स को भी आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की लिस्ट में ही काउंट करेंगे, बिकॉज इसमें भी आपसे कोरिलेशन, रिग्रेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी थॉरो विद द फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी का टॉपिक हो गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक हो गया, इन पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
सो फॉर्मूलेज बिल्कुल अच्छे से तैयार करने हैं आपको। थर्ड कैटेगरी हमारी फैक्चुअल टॉपिक्स, फैक्चुअल सब्जेक्ट्स। ये मैं इनको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको पूरे याद करने पड़ेंगे, उसमें समझने का पोर्शन थोड़ा सा कम होता है। फॉर एग्जांपल लीगल एस्पेक्ट के बारे में बात करें, आपसे पूछ लिया जाए कि भाई कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं पब्लिक कंपनी के अंदर, तो आपको याद रखना पड़ेगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है उसके अंदर कौन कौन से क्लॉजेज होते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा। सो यू हैव टू मेजरली फोकस ऑन द लर्निंग पार्ट। सेम इज विद बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स कब नेशनलाइज हुए, कौन सा बैंक कब मर्ज हुआ, बैसल नॉर्म्स कब आए, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी फैक्चुअल इन नेचर। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिवाइड कर लीजिए। अगर आपको थ्योरी सब्जेक्ट पहले लगता है इजी तो आप वो कवर करिए, अगर प्रैक्टिकल लगता है तो प्रैक्टिकल कवर करिए। बट ध्यान रखिए कि फैक्चुअल सब्जेक्ट्स, मतलब ये दो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, ये मेरा सजेशन रहेगा कि आप इनको लास्ट में ही कवर करें, ताकि आप इन सब्जेक्ट्स को भूलें नहीं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी आ गई। अब जो मैंने आपको सेम चीज़ पेपर वन के लिए भी बताई थी कि लास्ट मंथ जो है वो सबसे क्रूशियल मंथ है आपके एग्जाम से पहले का, तो उसके लिए क्या करना है, स्टूडेंट क्या करते हैं गलती, सीधे लास्ट मंथ पे जम करते हैं और वहाँ पे वो रिवीजन ऑफ दी सब्जेक्ट शुरू करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पहली बात तो कंटिन्यूअस रिवीजन करते रहना है, बिकॉज अगर आपने जनवरी के मंथ में लेट से आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा और अब आपने उसको दो महीने के लिए छोड़ दिया, तो मार्च में जब आप वो सब्जेक्ट उठाएंगे तो आपको वो बहुत ही कम याद होगा, 20-30% ही याद होगा, बाकी सारा हम भूल चुके होंगे। सो कॉन्स्टेंट रिविजन बहुत जरूरी है और लास्ट मंथ में भी थॉरो रिविजन बहुत जरूरी है। अब क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, लास्ट मंथ में हमें पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना है, पूरे इतने सारे सब्जेक्ट रिवाइज करने, तो क्या तरीका है, गिव अ रन थ्रू प्रैक्टिस ऑफ ऑल सब्जेक्ट थ्रू क्वेश्चंस। इसको हम रिवर्स इंजीनियरिंग भी कहते हैं, दैट मींस पूरा टॉपिक अगर रिवाइज करने जाएंगे, पूरे के पूरे टॉपिक्स को दोबारा से वीडियोज या फिर पीडीएफ से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इट विल बिकम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो आपको क्या करना है, आपको रिवर्स इंजीनियरिंग लगानी है, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं, उन क्वेश्चन के थ्रू आपको टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेना है। साथ साथ एक और काम करना है, अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करने। लेट से मैं 200-300 क्वेश्चन लगा रहा हूँ और मुझे पता चलता है कि यार मुझे स्टैटिस्टिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, स्टैटिस्टिक्स में भी कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, आप लेट से आप बहुत स्मार्टली एनालाइज कर रहे हैं, तो आपने एनालाइज कर लिया कि मुझे रिग्रेशन का टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, तो अब ये यहाँ पे छोड़ के आगे नहीं बढ़ जाना है। अगर आपको लगता है कि आपको रिग्रेशन नहीं आता है तो आपको थोड़ा सा टाइम देना है रिग्रेशन को पढ़ने में, तो क्वेश्चन लगाने से अच्छा क्या है, 2-3 घंटे निकाल लीजिए, पहले रिग्रेशन के टॉपिक को रिवाइज करिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लीजिए, दोबारा से वीडियोस और पीडीएफ्स को गो थ्रू करिए, बट सिर्फ रिग्रेशन टॉपिक को, ये नहीं कि पूरा स्टैटिस्टिक्स बैठ के रिवाइज करने लगे, एंड देन यू हैव टू प्रोसीड विद द प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मॉक टेस्ट लगा के जरूर जाइएगा, बिकॉज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सिट इन फ्रंट ऑफ द लैपटॉप ऑनलाइन मोड में एंड कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना और उनका सही जवाब देना। तो मॉक्स अगर आपने लगाए रहेंगे तो आपको एक रियल टाइम सिचुएशन का आइडिया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को टैकल करना है, किस तरीके से आते हैं क्वेश्चंस, क्या प्रॉपरली 3-2 घंटे बैठ भी पाएंगे कि नहीं, तो उसके लिए कम से कम 10 मॉक्स लगाने बहुत ज़रूरी हैं। 10 नहीं भी लगाते हैं तो स्टूडेंट्स 5 तो बिल्कुल लगा के जाना है आपको। ठीक है, अब अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मैं तो नेट से संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे तो GRF की ही कोशिश करनी है और मुझे GRF लेके रखना है, तो आपको क्या करना है, आपको वो छोटे छोटे पिन पॉइंट जो एरियाज होते हैं जहां स्टूडेंट्स छोड़ के चले जाते हैं, वो भी आपको नहीं छोड़ने हैं, वो भी आपको मिस नहीं करने हैं। क्या तरीका है उसका कि आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, लेट से आपने 5 मॉक टेस्ट लगाए और आपने आइडेंटिफाई किया कि सर टैक्सेशन के क्वेश्चन जो मेरे हैं वो लगातार गलत हो रहे हैं, पता नहीं क्यों 5-7 जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं मैं उसमें से 1-2 ही सही कर पा रहा हूं, बाकी मेरे गलत हो रहे हैं। आई एम जस्ट टेकिंग टैक्सेशन एज अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, किसी भी सब्जेक्ट में ये हो सकता है और एक से ज्यादा सब्जेक्ट में भी ये हो सकता है, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट को और टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है और 1-2 दिन लगा के, देखिए लास्ट मंथ में फायदा यही है कि आपके पास बहुत ज्यादा स्कोप है, आप ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, आप कॉन्स्टेंटली रिवीजन भी कर रहे हैं एंड आप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर चुके हैं अलॉन्ग विद मॉक टेस्ट, तो 1-2 दिन आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप 1-2 दिन टाइम लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं उन टॉपिक्स को भी ठीक करने में, ताकि आप इन सब्जेक्ट्स में जहां आप कम परफॉर्म कर रहे हैं, कम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वहां भी अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है, आपको पास्ट ईयर पेपर लगाने, दे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे गिव यू अ ब्रॉड आइडिया कि एक्चुअल एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। कई बार होता है कि स्टूडेंट्स ने जिस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए देवर ऑफ वेरी डायरेक्ट नेचर, बहुत ही ईजी नेचर के थे, बट एग्जाम में उनको बहुत ज्यादा एजोशन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चन, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन फेस करने पड़ गए, तो इसलिए पास्ट ईयर पेपर लगाना बहुत बहुत जरूरी है। कैसे लगाना है, रिवर्स ऑर्डर में लगाना है। रिवर्स ऑर्डर का क्या मतलब है, पहले आप पुराने पेपर लगाइए और फिर आप रीसेंट पेपर पे आइए, ऐसा मत करिएगा कि 2021 पहले लगा लिया। क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे एक लॉजिक है। पहला लॉजिक तो ये है कि जून 2019 में सिलेबस चेंज हुआ है, ठीक है, तो इसलिए आपको पास्ट ईयर पेपर्स लगाने जरूरी हैं, तो हैव अ ब्रॉड आइडिया। ठीक है, तो ऐसा मत करिएगा कि सिर्फ पुराने पेपर्स लगा के चले जाएं,
दूसरी चीज़ क्या है कि जो 2015 का पेपर आपको मिलेगा वो ईजी मिलेगा, वेर एज 2021 का जो पेपर आपको मिलेगा वो डिफिकल्ट मिलेगा। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप ईजी से डिफिकल्ट की तरफ मूव करें, ना कि डिफिकल्ट से ईजी, बिकॉज अगर आप डिफिकल्ट से ईजी की तरफ मूव करेंगे तो आपको इवेल्युएशन नहीं हो पाएगी दैट हाउ आर यू परफॉर्मिंग, ठीक है। तो इसलिए आपको ईजी से डिफिकल्ट की तरफ मूव करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रिविजन कर पाएँ फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। ऐसा मत करिएगा कि फाइनेंस आपका फेवरेट सब्जेक्ट है या मार्केटिंग है तो उनमें ही सारा टाइम इन्वेस्ट कर दिया रिविजन करने में, बाकी सब्जेक्ट रिविजन किए ही नहीं। कम से कम हर सब्जेक्ट 2 से 3 बार आपका रिवाइज किया होना चाहिए, तभी आप चीज़ों को रिकॉल कर पाएंगे, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। तो अगर आप 2 से 3-6 महीने की तैयारी कर रहे हैं और आप रिविजन नहीं करते हैं तो आप सारी चीज़ें भूल जाएंगे, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी। आई एम श्योर कि ये स्ट्रैटेजी आपको ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर हेल्प करेगी आपको अच्छे से प्रिपेयर करने में। एंड ऑल्सो प्लीज़ डू नॉट वेट फॉर द नोटिफिकेशन कि सर 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा, फिर नोटिफिकेशन आएगी तब हम तैयारी शुरू करेंगे, बिकॉज उसमें सारा टाइम निकल चुका होगा। यू हैव टू मेक श्योर कि एग्जाम डिफिकल्ट है, एग्जाम हैज़ बिकम वेरी कॉम्पिटिटिव। कॉमर्स में तो आपको वैसे ही पता है 2-2, 3-3 शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। सो फॉर योर बेटर प्रिपरेशन, टू गिव यू अ ब्रॉडर प्रिपरेशन, कॉम्प्रहेंसिव प्रिपरेशन, जहाँ अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, आपको अभी आपकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको लगता है आपको इस स्ट्रैटेजी से, इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प हुई है, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय बाय।